नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भोपाल की कोई फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं शर्मा, और दोस्तों आज की जो वीडियो उसमें हम बात करने वाले हैं, क्या मॉडिफिकेशन इलीगल है या फिर वो लीगल है, और लीगल है तो किस किस बेसिस पे लीगल है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवा रहे हो तो मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी, आप उसमें करवा सकते हो, बट जिस वे में आप उस मॉडिफिकेशन को करवाते हो वो गलत है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मॉडिफिकेशन आप किस चीज़ का करवाते हो, सबसे ज़्यादा टायर्स का करवाते हो, और गाड़ी के पेंट का करवाते हो, गाड़ी की हेडलाइट्स का करवाते हो, एंड प्लस गाड़ी के म्यूज़िक का। आजकल ज़्यादातर चलन यही हो रहा है। गाड़ी के इंटीरियर से गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी के बाहर की प्रॉपर्टी से। तो बेसिकली ये जो चार चीज़ें वो हम आज बात करने वाले हैं आपसे। जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको थोड़ा सा आप जो है माइंड मत करना। तो दोस्तों आज मैं आज बात करने वाले हैं आपसे मॉडिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहला जो है मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में जो है आप जिस चीज़ को करवाते हो वो है बेसिकली टायर्स। टायर लो प्रोफाइल टायर्स आजकल ज़्यादातर चल रहे हैं, तो वो लो प्रोफाइल टायर्स आप चेंज करवाते हो। दोस्तों टी सीरीज़ का आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि टी सीरीज़ का अगर आप गाना डालते थे अपने यूट्यूब के कोई भी चैनल पे, तो उस पे जो है फटाक से स्ट्राइक आ जाएगी या फटाक से जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है कि यार ये चैनल जो आपने जो डाला है कंटेंट वो इस चैनल का है। बेसिकली वही जो है लेबल है। तो ऐसे ही गाड़ियों में भी जो होता है लेबल होता है। जो गाड़ियाँ आती हैं हुंडई है तो उसका खुद का लेबल है। इंजन जो है जैसे ब्लू कलर है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एलपीजी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो उसमें जो है पीछे नाम दिया होता है। होंडा की गाड़ी में IVTEC IDTEC जो लिखा होता है ना, तो वो जो है एक लेबल है जिसने उस टेक्नोलॉजी को दिया है, जो डिज़ाइनिंग है, तो उन लोगों का जो है पैसा रहता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो आप क्या बोलते हो, यार मेरी प्रॉपर्टी है। दोस्तों आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो और 10 लाख गाड़ी में आपने 4 लाख का मॉडिफिकेशन करवा दिया और फिर पुलिस आपसे जो है चालान वसूल कर रही है, तो वो गलत है। आपके मन में यही आता होगा कि यार मैंने जो है गाड़ी तो ली है, उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन करवाया, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन पुलिस मुझसे चालान क्यों ले रही है? क्यों? क्योंकि आप जो है बेसिकली अगर वो गाड़ी को अगर आप पूरी लॉयल्टी या पूरे लेवल के साथ खरीदते तो वो गाड़ी आपको जो है 10 लाख की गाड़ी थी ना, वो आपको 25 से 30 लाख की गाड़ी पड़ती, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का डिजाइनिंग लगाए, बहुत इफर्ट लगाए, बहुत सारे लेबल्स और बहुत सारी चीज़ों को पास करके लगाए, पास होती है। अगर आप अपनी जो है गाड़ी की पूरी बुक्स वगैरह खोल के देखो, टर्म्स एंड कंडीशन तो उसमें रहता है कि आप गाड़ी को सिर्फ चला सकते हो, लेकिन उसके लेबल जो है इसी से ओनर के नाम पे हैं कि इसने जो है गाड़ी की इस टेक्नोलॉजी को दिया है, आपके नाम पे नहीं है। बेसिकली रोड पे अगर आप चला रहे हो तो रोड की जो है, रोड तो गवर्नमेंट की है, और आप गाड़ी कहाँ यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट की सड़क पे। टैक्स भर रहे हो आप, लेकिन टैक्स दुनिया भर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के उसमें आ रही है, में आ रहे हैं, लेकिन जो है गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप उसी गाड़ी के जो है टायर्स डलवाओ या उसी टायर के जो है एलो डलवाओ, उसमें उनको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों दूसरी बात जो है वो आप पेंट चेंज करवाते हो, पेंट इज़ आ टोटली इलीगल, ठीक है, इलीगल है वो। तो उसको पेंट जो है वो इलीगल है, पेंट आप गाड़ी पे नहीं करवा सकते। अगर पेंट करवाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है तो आप उसके जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाओ, वहाँ बात कर लो, वहाँ पे जो आपकी गाड़ी के नाम से पर्चियाँ चढ़ती हैं कि आपने इस तारीख को ये चेंज करवाया, आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई। लेकिन आप थर्ड पर्सन से जो है गाड़ी का पेंट चेंज करवाते हो, जैसे ब्लैक है तो मैट ब्लैक करवा लोगे या रेड करवा लोगे, आपकी जो है ओपिनियन के हिसाब से, लेकिन वो गलत है। आप जो है व्रैप करवा सकते हो, व्रैपिंग जो है आजकल चल रही है विनाइल वगैरह, तो वो आप 101% श्योरिटी के साथ करवा सकते हो, क्योंकि उसमें जो है बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप नहीं टच कर रहे उसे। अगर मैं आपको कोई को भी मैं गिफ्ट देने जा रहा हूं, मैं सेलो का जो है वाटर बॉटल ही दे रहा हूं, तो मैं उसके ऊपर गिफ्ट देके उसको दे सकता हूं, लेकिन मैं सेलो के नाम पे अगर अपना नाम डाल दूं कि अमन शर्मा के नाम की ये बॉटल है, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो लेबल को मैं हटा रहा हूं। आप वहां से वो गाड़ी के पेंट को नहीं हटा रहे हो, उसके ऊपर एक रैप चढ़वा रहे हो, गिफ्ट की पैकिंग चढ़वा रहे हो, उससे गवर्नमेंट में कोई भी पुलिस वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अगर रैप के नाम पे आपसे पैसा लेता है तो आप उससे जो है टोटली मना कर सकते हो, क्योंकि आपने रैप करवा रखा है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी बात, आप जो अपनी गाड़ी में साउंड सिस्टम बहुत मतलब मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा हम करते हैं। तो दोस्तों हम क्या है, साउंड सिस्टम बहुत हाई हैवी बेस का लगा देते हैं, तो उससे क्या है आउटसाइड सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम आती है। बेसिकली पुलिस जो है इसमें मना करती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट को नहीं चाहिए इतना हाई नॉइस, इतना हाई वॉइस। क्यों? क्योंकि अगर आप उस चीज़ को सुन रहे हो तो आप पीछे वाले का हॉर्न नहीं सुनोगे, पीछे वाला आपका कहाँ से सुन रहा है, लेकिन आप पीछे वाले का हॉर्न नहीं सुनोगे, और इससे जो है एक्सीडेंटल केसेस बढ़ जाते हैं, हाई लेवल पे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, और इसी के कारण होते हैं, क्योंकि आप जो है गाने सुनते हो और पीछे वाले जो है हॉर्न बजाता जाता है, और जैसे ही वो कट मारने की सोचता है क्योंकि उसे भी गुस्सा आ जाता है, तो आप अपनी गाड़ी उसी साइड मोड़ रहे हो, तो वो जो है टकरा जाते हैं। और बेसिकली यही प्रॉब्लम आती है कि आप हाई बेस या हाई साउंड जो है यूज़ नहीं कर सकते हो, मिनिमम जो आ रहा है उतना कर सकते हो, उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट आप कर सकते हो। अंदर के इंटीरियर्स की बात करूँ तो आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो,
मेरी अगर सीट कवर्स है, क्योंकि सीट कवर्स ख़राब होती है वो आपको लेबिलिटी जो है लेवल जो है आपको देता है, जो कंपनी देती है वो प्रोवाइड करती है। आप सीट कवर्स आराम से चेंज कर सकते हो, गाड़ी के डैशबोर्ड में जो है आप अलग जो है चेंजेस कर सकते हो, गाड़ी के जो है आप छेड़खानी किससे नहीं कर सकते हो, स्टीयरिंग व्हील से, क्योंकि उधर एयरबैग होता है, आगे के डैशबोर्ड से, क्योंकि वहाँ पर एयरबैग्स फिक्स होते हैं, वो एयरबैग्स को आप जो है इधर उधर नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये बात जो है आप प्लीज़ ध्यान में रखो कि इन चीज़ों को आप जो है अगर मैनिपुलेट करोगे तो वो आपके लिए खतरे की बात तो होगी, साथ में जो है आपका जो चालान भी कटता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपको जो है मालूम है आजकल कितना जो है मॉडिफिकेशन के ऊपर ये चीज़ें जो है लागू हो रही हैं। और गाइज अगर मैं आपसे बात करूं कि आप गाड़ी में क्या क्या चेंज करवाते हो, तो उसमें हेडलाइट्स आजकल ज़्यादातर आने वाली हैं, जो हाई वॉट्स के हाई पावर के जो है आप हाई बीम लो बीम इस्तेमाल करते हो उसका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो क्या है रोशनी रात को आपको कहाँ देने के लिए चाहिए, रोड पर। दोस्तों उससे नुकसान किसका हो रहा है, आपको तो अच्छा बिल्कुल चकाचक दिख रहा है, आपने चार लाइट ऊपर लगा दी, दो लाइट नीचे लगा दी और उसके नीचे तीन चार लाइट लगा दी, पूरा सेटअप आपका बिल्कुल रात का एकदम बढ़िया है, लेकिन वो आपको इस्तेमाल कहाँ आता है, जब आप रोड पे नहीं, आप जब जो है ऑफ रोडिंग करते हो या वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी नहीं आती हाईवे में, ये दूसरे लोगों को जो सामने से आ रहा है उसे बहुत परेशानी होती है। तो कभी भी आप अगर लाइट लगवाओ तो पहले आप अपनी गाड़ी को सामने खड़ा कर दो और वहाँ से दूसरी तरफ से आप अपनी जो है दूसरी गाड़ी या दूसरे अपने दोस्त के साथ आओ और देखो कि यार मेरी गाड़ी जो है किसी दूसरे इंसान को जो है अनजान इंसान को परेशान तो नहीं कर रही, क्योंकि इससे ही जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। आप जब रात में जाते हो तो सामने से कितना तेज़ जो है रोशनी पड़ती है कभी कभार बसों की या ट्रक्स की, तो बेसिकली वही कारण है कि आप जो है अपने जितना आपको जो है कंफर्टेबल है उतनी रेंज में ही लगवाओ और उसका जो है पूरा भी जो है रोड की तरफ करो। ज़्यादातर लोग क्या है लोगों की मुंह पे ही मारने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार ये हाई प्रोफाइल की गाड़ी है, मतलब एक लुक वाली गाड़ी है, तो ऐसा आपको रात में नहीं दिखाना है। तो इसकी वजह से जो है आप थोड़ा ध्यान रखो, जो आप बल्ब्स लगवा रहे हो वो उतने ही वाट्स के मिनिमम वाट्स के लगवाओ कि जितना आपको जो है नीड हो रात के टाइम पर, और अगर आप ऑफ रोड करते हो तो वो अलग से आप बल्ब लगवा लो, लेकिन आप उसको यूटिलाइज जब करो, जब यूज़ करो जब वो आपको काम पड़े।